Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट, अब मैं आपको एक सैंपल पेपर सिमुलेटिव असेसमेंट 1 के कोर्स के अकॉर्डिंग कराऊंगा। आप जानते हैं सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट कोर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो सिमुलेटिव असेसमेंट 1, जिसके अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर हैं आपके रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ट्राइंगल्स एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, एंड द लास्ट इज स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर्स आपके हैं। इन चैप्टर का आपको 90 मार्क का जो है वो एग्जामिनेशन होती है, जिसमें 31 क्वेश्चन टोटल होते हैं, जो कि चार सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, सी में डिवाइडेड है। आप क्वेश्चन पेपर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन पेपर। यहां क्वेश्चन पेपर जो में सेक्शन ए के अंदर चार क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का है। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 10, यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन 6 है, यहां पर 6 क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क का है। एंड सेक्शन सी में क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20 टोटल 10 क्वेश्चन है, 3 मार्क का। सेक्शन डी में क्वेश्चन 21 टू क्वेश्चन 31 है, यानी 11 क्वेश्चन है, ये 4 मार्कर है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं, जो 19 का टोटल वेटेज है। 3 आवर्स का आपको टाइम है स्टूडेंट। जब आप क्वेश्चन पेपर ट्राई करेंगे अपने, तो आपको टाइम, आपको क्या करना है माइंड में रखना है, आपको टाइम मैनेज कीजिए कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, कितने टाइम में हो जाने चाहिए, 1 मार्कर कितने टाइम में, 2 मार्कर कितने टाइम में, 1 मार्क कर स्टूडेंट मैक्सिमम लिया 1.5 मिनट में कर लीजिए, या अगर वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो मैक्सिमम 2 जो है मिनट का टाइम दीजिए। एंड अगर 2 मार्कर है तो वहां 3 मिनट का टाइम आप दे सकते हैं। 3 मार्कर में अगेन आप 4 to 4.5 मिनट तक आप दे सकते हैं। अगेन जो 4 मार्कर जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े होते हैं, तो वहां पर आप 5 to 6 मिनट का टाइम देंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर इस तरह से आप टाइम अपना मैनेज करते हैं, तभी आप कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक चीज, जो भी क्वेश्चन आप करें, वो आप अच्छी तरीके से वहां पर लिखें स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी पर्टिकुलर चीज का, किसी थ्योरम का, अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा यूज करते हैं, तो उसका फॉर्मूला या थ्योरम का स्टेटमेंट आप क्या है अपने आंसर में मेंशन कीजिए। इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। एंड जो क्वेश्चन आपके क्या होंगे, एग्जामिनर जब चेक करेगा तो आपको बेटर मार्क्स देगा, वहां आपको फुल मार्क्स के जो है आने के चांसेस तभी रहेंगे। आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि आप हैश बैश कहीं से कोई भी, हो सके आप कोई क्वेश्चन आपको बीच में नहीं आ रहा तो उसे आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो रहेगा आप सीरियल वे में आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको अभी नहीं हो रहा है तो उसके लिए हो सके जगह छोड़ दें, अगर आपको नहीं पता कि इतनी जगह में नहीं हो पाएगा तो आप उसे बाद में कर सकते, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप सीरियल वाइज करें। सो स्टार्ट करते हैं हम सिमुलेटिव असेसमेंट 1 का क्वेश्चन पेपर। ये मैंने आपको सीबीएसई क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है, एंड ये सीबीएसई में इसके सारे क्वेश्चन आस्क किए हैं। तो आप जब अपना सिमुलेटिव असेसमेंट 1 का पेपर देंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा, और इसी वे में आप क्या करें उसे अटेम्प्ट करें।
सो स्टार्ट करेंगे सम्मेटिव असेसमेंट का सैंपल पेपर 1।